दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। कल यानी बुधवार 8/1/2020 को भारत बंद था। केंद्र सरकार के विरोध में भारत बंद पुकारा गया था। वाम दलों, अम्बेडकरवादी, लोकतंत्रवादी पार्टियों के अलावा बहुत सी पार्टियों ने भी इनको पाठिंबा दिया। कल किनवट में भी 100% बंद था। बंद के दौरान शहर के प्रमुख मार्ग से रैली निकाली गई। रैली जीजा माता चौक में आकर रुकी। वहाँ पर जीजा माता चौक में केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सभा हुई। इस सभा में माजी नगराध्यक्ष ईसा खान साहब, माजी नगराध्यक्ष वेंकटराव निम्मनिवार, कॉमरेड अर्जुन आड़े, कॉमरेड गंगा रेड्डी बैमनवार, हबीब चौहान, राजू शेड़के, जहीर खान, इन सब के भाषण हुए और शांति से इस मोर्चे में सभी ने साथ दिया और शांति के साथ इस मोर्चे को समाप्त किया गया। सब ने शुक्रिया अदा किया शांति से मोर्चा निकालने की वजह से। और इसमें सभी लोग शामिल थे। CAA और NRC के खिलाफ में भी इस मोर्चे में नारेबाजी हुई। चलो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद वखार हुसैन, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ बिफोर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जैसा ये CAA एक्ट जो आया है, अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, आते ही मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में एंड आई एम वन ऑफ द पिटिशनर इन द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल अलॉन्ग विद माई अदर ब्रदर एडवोकेट्स एंड दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज पेंडिंग। एक कुछ अहम बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंडिया में, पहली बात ये लोगों को मैं वजाहत करना चाहता हूँ पूरे इंडिया के लोगों को, आप लोग हिंदुस्तान मत कहिए, ये हिंदुस्तान नहीं है,
ये हिंदू राष्ट्र भी मत कहिए, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर इंडिया में हिंदू नाम का कोई मजहब है ही नहीं, हिंदू नाम का कोई रेस नहीं है, हिंदू नाम की कोई सोसाइटी नहीं है। यहाँ पर दलित्स रहते हैं, रेस होती है, यहाँ पर कास्ट सिस्टम होता है, और यहाँ पर जो है ना अपर कास्ट के लोग जो है ना, जो ब्राह्मिन्स है, जो अराउंड लाइक अबाउट 3% है इंडिया में, वो लोग जो है ना बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ पर कास्ट सिस्टम है इंडिया में, और ये जो NRC CAA NPR जो आया है, ये ना ही सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ, सब लोग दिमाग में बिठा लीजिए, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट में नहीं है, ये दलित के अगेंस्ट में भी है। ये दूसरी कंट्री से जो प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, उनको इंडिया में ला के यहाँ पर शरणार्थी की तरह जो गवर्नमेंट जो उनको पनाह देना चाहती है, ये बात गलत है। यहीं पर जो है ना इंडियंस को, मोर पर्टिकुलरली मुस्लिम्स और दलित्स को इंडिया में प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो NPR है, NRC है, CA है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है, ये हमारे बदकिस्मती की बात है इंडियंस के लिए। ये पागल लोग जो है ना वहाँ पर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बन के। और एक अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे इंडिया को मालूम है कि चौकीदार चोर है, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इलिटरेट है, किलर है, सब कुछ है, चौकीदार चोर है, ये सबको पता है। लेकिन मैं नई बात आपको बताना चाहता हूँ, ये चौकीदार चोर ही नहीं, ये चौकीदार देश का गद्दार है। ये चौकीदार जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करता है, ही शुड बी डिक्लेयर्ड एज एंटी नेशनल। और ये देश का गद्दार है चौकीदार, और ये पेटला जो भी है गवर्नमेंट में बैठे हैं, वो लोग जो है ना ये देश के गद्दार हैं, ये एंटी नेशनल है। तो पूरे इंडियंस इनको एंटी नेशनल डिक्लेयर करें। इतना 130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है इंडिया में, उनको पहले से ही परेशान करके रखा है। पहले नोटबंदी का लेकर आया, सब इंडियंस को लाइन में खड़ा करवा दिया, इस तरीके के पागलपने की हरकत कर रहा है। तो ये NCR के बारे में भी आप सुन लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं किसी भी देश में, ऐसा NCR कोई रजिस्टर होता ही नहीं। ये इंडिया में नेशनल रजिस्टर बोल के नया जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये बकवास है, इलीगल है, ये आर्बिट्रेरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कोई रजिस्टर होता ही नहीं। देशवासी ही होता है, पूरे लोग यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरने वाले हैं। तो ये बात की वजाहत करना ज़रूरी है। और NPR जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है, वो शुरू से होते आया है इंडिया में, उसमें पॉपुलेशन का सेंसस होता है, पॉपुलेशन कितनी है वो काउंट करने के लिए, उसके मकासद वो है, एक्चुअली पर्पस वो है। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में नए क्वेश्चंस ऐड करके उसने एक नया सबूत दिया है, गवर्नमेंट ने नया सबूत दिया है, उसमें मजहब का नाम भी डाल दिया है। यू हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स इन द NPR ऑल्सो, हेंस द NPR इज ऑल्सो इलीगल, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये लड़ने के लिए हम पूरे देशवासी, पूरे इंडिया के देशवासी, पूरे जो है ना मुस्लिम्स, दलित, क्रिश्चियन, सिख, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा होकर इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर देता, जब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक जो है ना ये फाइट जारी रहेगी। इट इज़ द फाइट अगेंस्ट दी एंटी नेशनल पीपल। सो एवरीबडी रिमेंबर, ऐसा कोई हिंदू शब्द मत बोलिए, हिंदुस्तान मत बोलिए, भारत बोलिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो फ्रेम किया है, ये जो देश का नाम है, इसका नाम है भारत, और आप भारत ही कहिए। ये यहाँ पर कोई भी इंडिया में जो है ना कोई भी हिंदू, कोई मजहब का नाम नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दलित रहते हैं, मुख्तलिफ कास्ट रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं, ये सबका देश है। ये देश को नहीं तोड़ सकते, हम हमारी जान देंगे, हमारी जान भी चाहे चली जाए, हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।